जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्नाटिक वॉर्स की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरपावर किया, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे इतने पावरफुल मुगल एम्पायर से इन अंग्रेजों ने पॉलिटिकल पावर ले ली। तो दोस्तों 18th सेंचुरी के अराउंड में मुगल एम्पायर कमज़ोर होना शुरू हो चुका, और उसी समय कई फॉरेन कंट्रीज आई थी हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। गाइज, मैं हूँ अमन यादव और हिस्ट्री को मॉडर्न एडिटिंग के साथ बताता रहता हूँ। और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों उस समय जितनी फॉरेन कंट्रीज आई थी हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, और इन कंपनीज की एक ही प्रॉब्लम थी, टैक्स। दोस्तों उस समय जितने भी इंडियन रूलर थे वो इन सारी कंपनियों को ट्रेड तो करने देते हैं लेकिन बदले में इनसे टैक्स ले, लेकिन दोस्तों ये कंपनीज टैक्स देना नहीं चाहती थी। और दोस्तों ये बात शुरू होती है 1740 एडी में, जब ऑस्ट्रिया में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में जंग छिड़ गई, और इस जंग की खबर लगती है डुप्ले को, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर जनरल था, और उन दिनों कर्नाटिक के रूलर नवाब अनवरुद्दीन थे। ये जाता है और उनसे बोलता है कि जो जंग ऑस्ट्रिया में चल रही है वो भारत में मत आने देना। दोस्तों डुप्ले भी पॉलिटिकल पावर चाहता था हमारे भारत में, लेकिन जंग के दौरान नहीं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि होनी को कोई टाल नहीं, और कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पे। एक ब्रिटिश नॉवल ऑफिसर था बार्नेट नाम का, उसने हमारे हिंद महासागर में कुछ फ्रेंच जहाज़ों को कैप्चर कर लिया, और दोस्तों इसी घटना से ये ऑस्ट्रिया में हो रहा वॉर हमारे भारत तक पहुँचाया। ये सब देखते हुए डुप्ले ने तुरंत मॉरिशियस के फ्रेंच गवर्नर लॉ बर्दने को इनवाइट किया पौंडीचेरी में आने के, और साथ ही साथ ये भी बोला कि उन फ्रेंच जहाज़ों को रिलीज कराई। और लॉ बर्दने अपनी सेना के साथ आते ही भिड़ जाते हैं ब्रिटिश नॉवल ऑफिसर बार्नेट से, और दोस्तों वहाँ से उन कैप्चर्ड जहाज़ों को छुड़ा लाते हैं और पहुँच आते हैं पौंडीचेरी डुप्ले के पास। और दोस्तों डुप्ले अब जानता था कि भारत में युद्ध तो होनी ही, और इसीलिए डुप्ले ने लॉ बर्दनेस के साथ मिलकर मद्रास को कैप्चर कर लिया। समय था 21 सितंबर 1746, और ये सब देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैरान हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि लॉ बर्दने ने डुप्ले को कहा कि हम मद्रास के टेरिटरी के बदले में रैंसम यानी फिरौती मांगेंगे इन ब्रिटिश लीडर्स, लेकिन डुप्ले ने साफ साफ मना कर दिया ये करने से, क्योंकि डुप्ले को पैसा नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर चाहिए था। लेकिन दोस्तों लॉ बर्दने को तो सिर्फ पैसा ही दिख रहा था, और उसने काफ़ी सारा पैसा लिया अंग्रेजों से और अपनी मिलिट्री को लेकर वो वापस निकल पड़ा मॉरिशियस, और इधर डुप्ले फिर से कमज़ोर पड़ गया और मद्रास डुप्ले के हाथ से निकल गया, और अंग्रेजों ने उसे फिर से कैप्चर कर लिया। और दोस्तों ये सब होते हुए देख रहे थे अनवरुद्दीन अपनी कैपिटल आरकोट से। वो डुप्ले के पास मैसेज पहुँचवाते हैं कि तुम मेरे टेरिटरी पे युद्ध कैसे कर सकते, और उन्होंने युद्ध बंद करने का आदेश दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर नहीं करोगे तो मैं अपनी मिलिट्री लेके तुमसे भिड़ जाऊंगा। लेकिन डुप्ले ने अनवरुद्दीन को बोला कि मैं दोबारा अटैक करने जा रहा हूँ मद्रास पे, और मद्रास कैप्चर करके मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों अब डुप्ले ने किसी तरह से लड़ झगड़ के मद्रास को वापस जीत लिया इन अंग्रेजों से। लेकिन दोस्तों ब्रिटिशर्स यहाँ घबराते नहीं हैं, वो जानते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए ना कि टेरिटरी, और फ्रेंच ये समझ बैठता है कि ब्रिटिशर्स काफ़ी कमज़ोर हैं यहाँ पे। लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मद्रास कैप्चर करने के बाद डुप्ले अपनी बात से मुकर जाता है और अनवरुद्दीन को मना कर देता है मद्रास देने से। और दोस्तों मद्रास और पौंडीचेरी पे फ्रेंच का कब्जा था, और डुप्ले ये सब देखते हुए अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता, लेकिन अनवरुद्दीन को ये बात समझ आ गई कि डुप्ले ने उसे ठेंगा दिखा दिया, और इसलिए अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज खान को 4000 की सेना के साथ भेज दिया डुप्ले को ख़त्म करने के लिए। और दोस्तों इनके बीच काफ़ी भीषण युद्ध होता है अदियार रिवर के पास, जिसे हम बैटल ऑफ सेंट थॉम के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये बैटल सिर्फ एक पार्ट है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का। और दोस्तों इस युद्ध के बारे में मैं आपको बताऊं तो इधर महफूज खान के पास 4000 की मिलिट्री थी, तो दूसरी तरफ डुप्ले के पास सिर्फ 230 यूरोपी और 700 इंडियन थे। लेकिन दोस्तों हम डुप्ले के मिलिट्री को कम नहीं समझेंगे, क्योंकि वो वेल डिसिप्लिन प्लस मॉडर्नाइज वेपन थे उनके पास, ये कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये बराबरी का टक्कर था। और दोस्तों कई इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि बहुत ही आसानी से डुप्ले की मिलिट्री ने अनवरुद्दीन की सेना को
धूल चटा दिया। और ये सब होते हुए ब्रिटिशर्स चुपचाप इंडियन रूलर की ताकत और कमजोरी देख रहे थे। और दोस्तों फाइनली यूरोप में ट्रेटी हुई 1748 में और वहाँ पे ये वॉर थम गया। और दोस्तों इसे देखते हुए भारत में भी ट्रेटी हुई और इसी के साथ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर भी ख़त्म हो गया। दोस्तों इस पूरी घटना के टाइम पीरियड को हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों इस युद्ध से अब सबको एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमज़ोरी पता चल गई थी। और साथ ही साथ इन सारे फॉरेन कंपनीज ने ये भी देख लिया था कि भारतीय रूलर्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं उनके कंपेयर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुग़ल एम्पायर के रूलर बनने का जो सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि जब भी मुग़ल एम्पायर के किसी रूलर की मृत्यु होती है तो उसके जो वारिस होते हैं उनके बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं नेक्स्ट रूलर बनने के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ। हुआ क्या दोस्तों कि उस समय दक्षिण भारत में दो बड़ी शक्तियाँ थीं, एक कर्नाटिक और दूसरी हैदराबाद। हुआ क्या दोस्तों कि कर्नाटिक के नवाब दोस्त अली खान के जाने के बाद अनवरुद्दीन और दोस्त अली खान के सन इन लॉ चंदा साहिब के बीच कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गई। और दूसरी तरफ हैदराबाद के लीडरशिप के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो कि शुरू हुआ फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद असाफ जाह की मृत्यु के बाद। और दोस्तों ऐसी ही कॉन्फ्लिक्ट का वेट कर रहे थे ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और दोस्तों ये कंपनीज पॉलिटिकल पावर पाने के लिए अलग अलग रूलर्स को सपोर्ट करने लगते हैं, और सबसे पहले डुप्ले ज्वाइन करता है चंदा साहिब को। और दोस्तों इस कॉन्फ्लिक्ट में चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच गवर्नर डुप्ले एक तरफ हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ नवाब अनवरुद्दीन और उनकी मिलिट्री खड़ी अंबर के मैदान में। और इन रूलर्स में भीषण युद्ध हुआ, परिणाम अनवरुद्दीन की मृत्यु। समय था 3 अगस्त 1749। और दोस्तों उसके बेटे को भी उस जंग से भगा दिया गया। दोस्तों हिस्ट्री में हम इस जंग को बैटल ऑफ अंबर के नाम से जानते हैं, जो कि वेल्लोर के नज़दीक अंबर के मैदान में हुई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बैटल सिर्फ एक पार्ट है सेकेंड कर्नाटिक वॉर का, और फिर उसके ही अगले साल इन कंबाइंड फोर्सेस ने नासिर जंग को भी मार गिराया। समय था दिसंबर 1750। और दोस्तों मुजफ्फर जंग कर्नाटिक और चंदा साहिब हैदराबाद के सूबेदार बनते हैं फ्रेंच की मदद से। और ये सब देखते हुए मुजफ्फर जंग ने खुशी से डुप्ले को कई उपहार दिए, और साथ ही साथ साउथ इंडिया के कृष्णा नदी के दक्षिण में जितना भी मुग़ल टेरिटरी था उन सब का गवर्नर भी बनाया। और ये सब देखते हुए दोस्तों ब्रिटिशर्स काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि डुप्ले के पास अब धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर बढ़ रहा था, और चंदा साहिब ने भी पौंडीचेरी के आसपास का कई टेरिटरी दे दिया डुप्ले को। लेकिन दोस्तों अभी भी अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली जिंदा था और वो कर्नाटिक का नवाब बनना चाहता था, और साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही चाहती थी। इधर दोस्तों ये कंबाइंड फोर्सेस और इनके लीडर्स काफ़ी जश्न मना रहे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनके बीच एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी आ गया है, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक मामूली सा क्लर्क था। इसने अपने ब्रिटिश गवर्नर को एक प्लान बताया कि कैसे हम आरकोट पर अटैक कर चंदा साहब को हरा सकते हैं और उनके टेरिटरी पे कब्जा कर सकते हैं। और दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर ने रॉबर्ट क्लाइव को मौका दिया, उसने कहा कि अगर तुम ऐसा सोच सकते हो तो करके भी दिखा दो। और दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर ने रॉबर्ट क्लाइव को 210 यूरोपीय और कुछ भारतीय सैनिक के साथ भेज दिया आरकोट पर हमला करने के लिए। और दोस्तों अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि आरकोट के मेन एरिया को कैप्चर कर उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफेंस कर देता है। और दोस्तों जब ये बात चंदा साहब तक पहुंचती है तो उसने वही किया जो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा था। हुआ क्या कि उसने तृष्णोपल्ली से 4000 सैनिक आरकोट भेज दिया, और दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने इन 4000 सैनिकों को 53 दिनों तक उलझाए रखा। और दोस्तों इसी बीच इस पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे तृष्णोपल्ली पे अपना कब्जा जमाया, और फाइनली जून 1752 में वहाँ से फ्रेंच को सरेंडर करवा दिया, और चंदा साहब के बदले में तंजौर के राजा को बैठा दिया, और साथ ही साथ मोहम्मद अली को आज़ाद कर कर्नाटिक का नवाब बना दिया। अभी तक दोस्तों फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने काफ़ी गेम खेला, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इससे भी खतरनाक खिलाड़ी आ चुका था रॉबर्ट क्लाइव।
और दोस्तों जैसा कि इधर डुप्लेक लगातार हारता जाता है अपने टेरिटरी और पॉलिटिकल पावर को, इसलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें वापस बुला लिया। लेकिन दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, तो कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि ब्रिटिशर्स ने उन कंपनीज़ को घूस दिया था ताकि वो डुप्ले को वापस बुला सकें, और फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक नया गवर्नर अपॉइंट किया गोदेहो को। समय था 1754 और ब्रिटिशर्स के बीच एक ट्रेटी होती है, समय था दिसंबर 1755। इस ट्रेटी में वो इस युद्ध को बंद कर देते हैं और शांति से ट्रेड करना चाहते हैं। और दोस्तों इस पूरे टाइम पीरियड को हम सेकेंड कर्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अब जितनी भी पॉलिटिकल पावर थी फ्रेंच के पास, उतनी ही पावर हो जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर करना चाहते थे। और दोस्तों अब डुप्ले की जगह पे नए फ्रेंच गवर्नर आते हैं, काउंट डेलेली। समय था 1758 और दोस्तों ये इतने एग्रेसिव थे कि ये भारत पहुंचते ही फोर्ट सेंट डेविड पर अटैक कर उसे अपने कैप्चर में कर लेते हैं, और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं तंजौर अपने कब्जे में करने के लिए। लेकिन वो वहाँ पे जीत नहीं सके, और इधर दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल के नवाब को अपने कदमों में झुका लिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन ब्रिटिशर्स को अभी तक सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला जगह था बंगाल। दोस्तों बंगाल कैप्चर करने के बाद ये ब्रिटिश अपनी मिलिट्री को और भी पावरफुल बनाते हैं और अपने रिसोर्सेज को अपग्रेड कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच। और दोस्तों यहाँ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन शुरू हुआ, और फिर दोस्तों देखते ही देखते छोटे मोटे कई कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा इन ब्रिटिशर्स के हाथ से मद्रास, हैदराबाद और भी कई सारी टेरिटरीज निकल गई। और दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लगभग पॉलिटिकल पावर भी ख़त्म ही हो गया था भारत में। और दोस्तों अब इन ब्रिटिशर्स ने एक एक करके इन फ्रेंच की सारी व्यापारिक कोठियों को लूटा, और दोस्तों इस तरह से थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटिक वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। और उसके बाद दोस्तों 1763 में पेरिस में एक ट्रेटी हुई, और इसी तरह से ये युद्ध भी ख़त्म हुआ और ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को ओवर पावर किया हमारे भारत में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री की किसी भी बैटल्स पे वीडियो बनानी होगी तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करना, और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो आप ये एक वीडियो देख रहे हैं इसके पीछे मेरी 9 से 10 दिन की मेहनत रहती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि कैसे उतने बड़े इवेंट को कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको दिखा सकूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।